बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर और घी लिया है मैंने। हमें यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैंने चीनी को मिक्सर में ही उसको ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना लिया है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में मैदा, मैदे को डालूंगी। फिर उसमें पाउडर शुगर ऐड करूंगी और उसमें बेकिंग पाउडर, और लास्ट में इलायची पाउडर डालूंगी। अब हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 8 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। अब मैं पहले इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और मैदे को और घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें एक बार में सारा घी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें घी को मिक्स करना है और हमें यहाँ पे इसको एक डो जैसा बनाना है। ये देखिए हमारा जो घी है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और हमें अब अच्छे से हाथों से मसल मसल कर एक डो जैसा बनाना है। हमें यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, पानी या दूध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं और इसको हाथों से मसल मसल के एकदम चिकना करना है। ये देखिए हमें यहाँ पे मैदे को एकदम चिकना कर लेना है और उसको हथेलियों की सहायता से अच्छे से उसको मैश करना है। जैसे हम लोग आटे के लिए, रोटी के लिए आटा लगाते हैं, सेम वैसे ही सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है। हथेलियों से हमें अच्छे से मैदे को मैश करना है और एकदम इसको चिकना करना है। इसको चेक करने के लिए कि हमारा मैदा रेडी है कि नहीं, पहले हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और उसको हाथों से प्रेस करेंगे, फिर दोनों हथेलियों की सहायता से बिस्किट बना के चेक करेंगे। अगर बिस्किट हमारा बन जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो डो है वो रेडी है, और अगर बिस्किट हमारा टूट जाएगा तो इसका मतलब कि हमें मैदे को भी और चिकना करने की ज़रूरत है। ये देखिए ये टूट गया है, इसका मतलब हमारा जो मैदा है वो रेडी नहीं है, अभी इसको हम और चिकना करेंगे। ये देखिए मैंने मैदे को अच्छे से मसल के एकदम चिकना कर लिया है और हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल परफेक्ट डो है बिस्किट बनाने के लिए। तो अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम एक नींबू के साइज़ की लोई तोड़ लेंगे और उसको हाथों से अच्छे से दबा दबा के उसको हमें एकदम चिकना करना है। हम उसे अच्छे से उसको हाथों से दबाएंगे और उसको चिकना करके राउंड शेप देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने से हमारी बिस्किट है बिल्कुल गोल हो जाती है। अब हम बिस्किट को दोनों हथेलियों की सहायता से अच्छे से हल्का सा प्रेस करेंगे और बिस्किट का शेप देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को बना के रख लेंगे। पहले उसको हम हाथों से दबाएंगे, फिर उसको दोनों हथेलियों से प्रेस करके बिस्किट का शेप देंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को हमें अच्छे से गर्म करना है और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ये नमक मैंने पहले भी कई बार बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। अब हमें नमक को अच्छे से कढ़ाई में स्प्रेड करना है चारों तरफ। नमक को चारों तरफ स्प्रेड करके अब हम कढ़ाई को ढक के रख देंगे गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में हाई रखा है, बाद में जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी तो मैं जो गैस का फ्लेम है उसको एकदम लो कर दूंगी।
और ये देखिए मैंने अपने सारे बिस्किट बना के रख लिए हैं। ये देखिए मैं एक बिस्किट लूँगी और नाइफ़ के उल्टे साइड से मैं इसमें क्रॉस का निशान बनाऊँगी। डिज़ाइन बनाने से बिस्किट देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे नाइफ़ को हल्का सा प्रेस करके डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट में इसी तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम बिस्किट को बेक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक इडली स्टैंड लिया है, इसको मैं अच्छे से घी से ग्रीस करूँगी ताकि हमारी जो बिस्किट है वो आसानी से निकल जाए, इसमें चिपकने ना पाए। ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक एक करके बिस्किट को डाल दूँगी। और हमें इसे ढक करके 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए हमारी जो बिस्किट है वो अच्छे से कुक हो गई है। मैं फिंगर से इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है, तो अब मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी स्पून की हेल्प से। अभी बिस्किट गर्म है तो इसको हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें। स्पून की हेल्प से मैं इसको निकाल लूँगी अलग से प्लेट में। ये देखिए अब मैं इडली स्टैंड में फिर से जो बची हुई बिस्किट है उसको भी मैं पका लूँगी। आप इडली स्टैंड की जगह पे आप यहाँ पे थाली या प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। उसको ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए और फिर उसमें आप बिस्किट को डाल करके सेम इसी प्रोसेस से पका लीजिए। ये देखिए फ्रेंड हमारी जो ये बिस्किट है वो अच्छे से कुक हो गई है। नीचे से भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, ये बिल्कुल भी जला नहीं है, दोनों साइड से कलर बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को मेरी ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।